गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टार्ट करिए अपना लेसन 23 आवर राइट्स एंड ड्यूटीज। बच्चों, इस लेसन में हमने आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी सोशियोलॉजियम सिक्लोजियम, फंडामेंटल राइट्स पढ़े। हमारे कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स थे? 6 फंडामेंटल राइट्स थे। हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या थी ये भी हम लोग ने पढ़ा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़े। फिर हम लोग ने इसकी समरी करी और पेज नंबर 121 पे टिक द करेक्ट आंसर्स किए। सभी बच्चों ने टिक द करेक्ट आंसर्स कर लिए। नेक्स्ट आए 122 पे, मैचिंग करी हम लोग ने। ठीक है, करी थी ना मैचिंग आप सबने। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? तो लिखो, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स according to which a government governs or runs a country. A constitution is a set of rules according to which a government governs and runs a country. बच्चों, ये आपको दिया हुआ है पेज पे, सबसे पहले पेज पे दिया हुआ है। व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए पेज नंबर 119 पे मार्क करिए। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट, लिखा है ना बच्चों, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स अकॉर्डिंग टू विच अ गवर्नमेंट गवर्नर्स और रन्स अ कंट्री। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, When was our constitution finally adopted? तो हम लोग का इसी पेज नंबर पे देखिए, पेज नंबर 119 पे देखिए, our constitution was finally, ये लिखना पड़ेगा आपको, our constitution was finally adopt on 26 जनवरी 1950। आवर कॉन्स्टिट्यूशन लिखना है, जहाँ इंडिया अडॉप्टेड लिखा है वहाँ लिखो आवर कॉन्स्टिट्यूशन। पेज नंबर 119 पे लिखा हुआ है इंडिया अडॉप्ट, लिखा है ना बच्चों, वहाँ पे लिखो आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फाइनली एडॉप्ट ऑन 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिस्ट द 6 फंडामेंटल राइट्स। आपको 6 फंडामेंटल राइट्स दिए हुए 120 पेज नंबर पे 6 फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। कौन कौन से हैं? द 6 फंडामेंटल राइट्स आर राइट्स टू इक्वालिटी, राइट्स टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लेनेशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कंसोनेंटल रिमेंडेज। दिए हुए ना 6 आपको, ये दिए हुए हैं आपको, ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। ब्रीफली क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्रीफली एक्सप्लेन डेमोक्रेसी एंड सोशियोलॉजियम। डेमोक्रेसी भी आपको दिया हुआ है पेज नंबर 119 पे और सोशियोलॉजियम भी दिया हुआ है। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज फॉर्म बाय द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल, देयरफॉर अ डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। और सिक्लोजियम में दिया हुआ है, ट्रीटिंग ऑल द रिलीजियस इक्वली इज नोन एज सोशलिज्म, नो डिस्क्रिमिनेशन कैन बी मेड ऑन द बेसिक ऑफ रिलीजन। यहाँ पे आपके बच्चों क्वेश्चन आंसर फिनिश हो जाते हैं। मार्क कर लीजिए आप अपनी बुक नंबर पेज नंबर 119 पे, और ये वर्क है आपका, होमवर्क, सभी बच्चों को ये करना है और मुझे सेंड करना है। ठीक है, मैं क्वेश्चन फिर से बता दे रही हूँ, आंसर्स आपके पास मैंने भेज करा दिए हैं। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन वाज आवर कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली अडॉप्ट, क्वेश्चन नंबर 3, लिस्ट द 6 फंडामेंटल राइट्स, क्वेश्चन नंबर 4, ब्रीफली एक्सप्लेन डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म। दिस इज योर असाइनमेंट। इस क्वेश्चन आंसर सारे बुक में दिए हुए हैं, इनको मार्क करिए और इनको लिखना शुरू करिए और इसको मुझे सेंड करिए। दिस इज योर असाइनमेंट। ओके स्टूडेंट, नाउ गुड बाय।